दरभंगा के किला घाट स्थित सीएम कॉलेज में बाढ़ विस्थापितों के लिए मंगलवार से निगम प्रशासन द्वारा सामुदायिक रसोई शुरू की गई थी, लेकिन शुरू होने के साथ ही यह सवालों के घेरे में आ गई है। बाढ़ पीड़ित लोगों का साफ आरोप है कि समय पर उनको भोजन नहीं मिल रहा है और भोजन की गुणवत्ता बद से बदतर है। बाढ़ से पीड़ित लोग यहां अब प्रशासन की लचर व्यवस्था से तंग हो चुके हैं। कई लोग खुद ही अपने भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। काफी हल्ला हंगामा के बाद निगम प्रशासन ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कनीय अभियंता अनिल कुमार चौधरी को निरीक्षण के लिए सीएम कॉलेज भेजा था, जहां उन्होंने भी लापरवाही देखी। इसके बाद केंद्रीय संचालिका ज्योति कुमारी से 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनसे पूछा गया है कि उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाए। कॉलेज है कुछ वार्ड नंबर 23, कुछ बलुवाही तरौनी के लोग आए हुए हैं, बाढ़ पीड़ित लोग सब। यहाँ पर देख रहे हैं सेंट्राइज भी हो रहा है। एक महिला माता दी हैं, ये खुद स्वयं खाना बना रहे हैं अपना। आप लोग अपना खाना बना रहे हैं, सरकारी खाना नहीं मिल रहा है? नहीं भेटाता, इसलिए अपना खाना बना रहे हैं आप लोग। कितना दिन से आप लोग यहाँ हैं? 6 दिन से है। ठीक है, 6 रोज से आए हुए हैं बाढ़ पीड़ित लोग सब, अपना खाना बना रहे हैं। सीएम आर्ट्स कॉलेज का कैंप है बाढ़ पीड़ित का, वार्ड नंबर 23 और ब्लॉक के लोग सब। यहाँ खाना अभी तक नहीं बन पाया है, 11:30 हो गया है, अभी तक खाना नहीं बना है यहाँ। पता नहीं किस कारण से यहाँ लेट हो रहा है लोगों को। 11:30 हो गया, अभी तक खाना नहीं बना है। खाना कितने बजे तक मिल जाता है आपको? 8 बजे रात में एक टाइम खाना बना, और कोई कर्म का दिन का खाना कितने बजे मिलता है? दिन में तो अभी देख रहे आपके सामने समस्या। क्या नाम हुआ? हेम कुमार महतो, रामबाग किला। वार्ड नंबर कितने से आए हैं? 10 से।